पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका की दोस्ती लगातार मजबूत होती गई है और इससे कहीं ना कहीं भारत का पुराना सहयोगी रूस को जरूर दिक्कत हुई है और यह साफ देखा गया है रूस के द्वारा पिछले कुछ सालों में उठाए गए कदमों से। यही नहीं, वो रूस जिसने भारत की वजह से पाकिस्तान को दरकिनार किया था, उससे किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रखा था, उसके साथ ही पिछले दिनों रूस ने एक युद्धाभ्यास भी किया है। हालांकि भारत ने इसका विरोध किया था मगर रूस बाज ना आया। और पिछले दिनों जब रूस के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे तो उन्होंने भारत के बाद सीधा पाकिस्तान का रुख किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान और रूस के बीच S-400 डिफेंस सिस्टम की डील हो रही है और रूस S-400 पाकिस्तान को देगा, मगर भारत के बीच में कूदने के बाद रूस ने उस डील को रोक दी थी। मगर इसके बावजूद रूस और पाकिस्तान के बीच हथियारों की खरीद पर बातचीत हुई है और रूस मान भी गया है और पाकिस्तान को हथियार वो देगा। वो अलग बात है कि रूस ने यह साफ किया है कि वो ऐसे हथियार पाकिस्तान को नहीं देगा जिससे पाकिस्तान भारत पर बढ़त हासिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ उस बात को समझने के लिए पीछे जो मैंने बात कही उसको जानना और समझना जरूरी था। दरअसल भारत रूस का एक प्रमुख हथियार खरीदार देश है, मगर पिछले कुछ सालों में भारत का झुकाव अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों की तरफ झुक गया है। साथ ही भारत अमेरिका की नजदीकियों की वजह से भी रूस कुछ खास खुश नहीं है। साथ ही भारत ने पिछले कुछ सालों में रूस से हथियार खरीदने में काफी कमी लाई है। ऐसे में जब भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ झुक रहा है तो रूस ने भी पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, साथ ही भारत को चेताने की कोशिश कर रहा है। रूस भारत को अपने कई एयरक्राफ्ट बेचना चाहता है जिसमें Su-57 भी शामिल है और Su-35 और मिग भी, लेकिन भारत इन विमानों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा क्योंकि इन 4+ जनरेशन के फाइटर प्लेनों से भारत को चीन पर कोई खास बढ़त नहीं मिलती। इसके साथ ही भारत रूस के साथ रक्षा में हुई पिछली डील से भी खुश नहीं है क्योंकि जो सुखोई भारत के पास है वही चीन के पास भी मौजूद है। जो S-400 वो चीन को दे रहा है वही भारत को भी दे रहा है, जिससे भारत किसी भी तरह से चीन पर दबाव नहीं बना सकता। इसलिए भारत अब अमेरिका के फाइटर प्लेनों की तरफ देख रहा है और कई बार ये खबर सामने आई है कि भारत कुछ एडवांस फाइटर प्लेन अमेरिका से ले सकता है। तो दोस्तों, यह तो रही वो बातें जिससे रूस और भारत के बीच दूरियां आई हैं और इसी वजह से रूस पाकिस्तान और चीन के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसके जवाब में भारत ने रूस को भी परेशानी में डाल दिया है, जिस जॉर्जिया से भारत ने दशकों से कोई संबंध इसलिए नहीं रखे कि कहीं रूस नाराज ना हो जाए, उसी जॉर्जिया में विदेश मंत्री S-जयशंकर रूस के दौरे के बाद निकल गए हैं। दोस्तों, मैं यहां पर आपको बता दूं कि यह पहली बार है जब भारत का कोई विदेश मंत्री जॉर्जिया जा रहा है। जॉर्जिया और रूस एक तरह से कट्टर दुश्मन है, आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि भारत और पाकिस्तान है। मगर जॉर्जिया के दौरे पर S-जयशंकर के जाने को विशेषज्ञ रूस के विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे के जाने का जवाब मान रहे हैं और खबर यह भी सामने आई है कि भारत जॉर्जिया को हथियार भी मुहैया कराएगा, यानी कि जो काम अब रूस पाकिस्तान के लिए कर रहा है वही काम भारत जॉर्जिया के लिए करने वाला है। दोस्तों, भारत की इस कूटनीति से आपको क्या लगता है कि क्या भारत और रूस के संबंध और बिगड़ेंगे या दोनों दोस्त वापस दोस्ती की राह पर चल देंगे? अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।